और आज है बप्पा का विसर्जन और हम लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। पूजा हो चुकी है और आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो अब हम विसर्जन की तैयारी करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग होममेड, जैसे हमने इको फ्रेंडली गणेशा बनाया था, उसी तरीके से हम लोग अभी एक घर पे उनको प्रवाहित करने के लिए बना रहे हैं। आपको मैं पूरा प्रोसेस अभी दिखाती हूँ। तो इसमें हमने हल्दी और अक्षत डाला है और साथ में ये फूल डाला जा रहा है इसमें, और अभी इसमें एक सिक्का डाल रहे हैं रजनीश, और साथ में सिंदूर जाएगा इसके अंदर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। तो बप्पा को यहाँ रजनीश हर घर में घुमा रहे हैं। राधिका और रजनीश दोनों मिलके बप्पा को हर रूम में घुमा रहे हैं, ताकि वो अगले साल हमें इसी तरह से मौका दे कि हम लोग उनकी सेवा कर सके। तो किचन में अभी जा रहे हैं रजनीश। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और अब बप्पा को हम लोग आखिरी विदाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्या बप्पा को प्रणाम कर रही है। थैंक यू बोल दो आने के लिए। हाँ, और फिर से आएंगे बप्पा अगले साल, फिर आएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, तीन बार गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ये रही हमारी राधिका, जिसको हमने ट्रॉली में डाल रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इच्छुक खुद बिता रही थी, कुछ भी काम नहीं करने दे रही। और बप्पा का विसर्जन हो चुका है और हम दोनों थोड़े से इमोशनल हो गए, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि बप्पा हमारे घर आए और डेढ़ दिन का मौका दिया हमें कि हम उनकी सेवा कर सकें। और लग रहा है बहुत ऐसा लग रहा है कोई गया वाकई में। हम लोग को नहीं पता था कि लोग इमोशनल हो जाते हैं कैसे, लेकिन फर्स्ट टाइम फीलिंग आ रही है ऐसी कि मुझे लग रहा है जैसे दो दिन से पूजा हो रही थी, नॉर्मल लग रहा था, बट अभी जब बप्पा को विसर्जित कर रहे थे ना, तो पता नहीं कैसे हो जाता है। रजनीश को देखो। तो आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा वो तो फिर आंसू आ जाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।